घूमर घूमे रे, आज मेरे किचन में से राजस्थानी खुशबू आ रही है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी गट्टे की सब्जी, जो बहुत ही अच्छी और यम्मी लगती है और राजस्थान की जान है गट्टे की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं, हम भी थोड़ा राजस्थानी हो जाते हैं, चलो बनाएंगे हमारे साथ। तो चलिए बनाते हैं गट्टे की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गट्टे की सब्जी बनाने वाले हैं, राजस्थानी गट्टे की सब्जी जो बहुत ही अच्छी लगती है। वो किस तरह से बनाते हैं कि गट्टे बहुत सॉफ्ट ही बने और अच्छे बने और सब्जी भी बहुत टेस्टी बने, तो चलिए बनाते हैं गट्टे की सब्जी। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। अब इसमें सभी मसाले डाल लेते हैं। मैं नमक डाल रही हूँ स्वादानुसार, आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, धनिया आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, और अब हम इसमें थोड़ी सी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी। इसको हम थोड़ा सा हाथ में मसल लेंगे इस तरीके से। ये कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं इसमें। और अजवाइन डाल देते हैं आधा चम्मच के करीब। अब हम चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल देते हैं। सभी चीजें डल गई हैं, अब हम ऑयल डालते हैं, या तो देसी घी डाल लीजिए, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छे से बनते हैं, नहीं तो 2 बड़े चम्मच के करीब हम ऑयल डाल लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ऑयल अच्छे से सारे में लग जाए, और ऑयल डालने से हमारे गट्टे जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। हमने सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करते हैं, इसका डो रेडी कर लेते हैं। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डलेगा क्योंकि ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ना ज्यादा सॉफ्ट रखना आटे को, ना ज्यादा हार्ड रखना, मीडियम रखना है जिससे कि हमारे गट्टे भी सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए हमारा डो रख के रेडी है। ये देखिए इस तरीके से सॉफ्ट डो चाहिए हमें। 2 मिनट इसको रेस्ट देते हैं, फिर हम इसके गट्टे बनाएंगे। इतने में हम एक कढ़ाई में पानी ले लेते हैं जिसमें कि गट्टे बनेंगे। तो चलिए अब हम गट्टे बना लेते हैं। ये देखिए कम से कम इतना रोटी के जितना लोई लेनी है इतनी हम लोई बना लेते हैं, इसकी 4-5 बन जाएंगी। इसको ज़्यादा मोटा नहीं लेना, नहीं तो ये ठीक से नहीं बन पाएगा। और ये देखिए इसको अच्छे से, और ये आटा ऐसा हो जाता है हाथों में भी नहीं लगता बिल्कुल। इस तरीके से आप ये देखिए इसको लंबा लंबा बना लेंगे, और इतना मोटा रखना, इससे मोटा नहीं रखना। इस तरीके से बनाते हम रख देंगे। आप हाथ से नहीं बना सकते तो नीचे रख के भी आप बना सकते हैं इस तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से मैंने गट्टे बना लिए। ये मेरे 6 गट्टे बने हैं, जितना आटा मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंगली। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इससे ज़्यादा मोटे नहीं करने हमें। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने 2.5 कप पानी डाला हुआ है। अब ये पानी बॉयल होने लगा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। और हमने ये जो गट्टे बना रखे थे वो इस उबलते पानी में डाल देंगे। अभी ये कच्चे हैं इसलिए ये नीचे बैठ गए हैं, और जैसे ही ये बन जाएंगे तो ये ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, तो वो इंडिकेशन होगा कि ये गट्टे हमारे बन गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से नीचे आएंगे, अब धीरे धीरे ये ऊपर आना शुरू कर देंगे। इसको हाई मीडियम आंच पे ही बनाइए और इस तरह से बॉयल होने दें, और इसको ढक के रख देते हैं, और 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे बन गए या नहीं हमारे गट्टे। जितना हमारे गट्टे बन के रेडी हो रहे हैं, हम लोग छौंक की तैयारी कर लेते हैं। हमें तड़के में क्या क्या चाहिए ये देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, 2 हरी मिर्च लिए, थोड़े से लहसुन अदरक और धनिया लिया है। अब हम प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, चाहे तो आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। और अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना लूंगी, और मिर्च को भी छोटा छोटा कट कर लेंगे, और धनिया को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, हमारे गट्टे फूल के ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये जो इंडिकेशन है फूला फूला सा दिख रहा है आपको, ये इंडिकेशन है कि हमारे गट्टे बन चुके हैं। ये देखिए सारे में ऐसे फूला फूला सा नजर आएगा आपको। तो चलिए अब हम पानी बंद कर देते हैं और अपने गट्टे थोड़े ठंडे होने देते हैं, और उसके बाद हम इसको काटेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बाउल में 1 कटोरी के करीब दही ले रही हूँ। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के करीब मैं मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ, और ये धनिया 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही मैं गरम मसाला ले रही हूँ। तो ये सभी मसाले आप डाल देंगे इसमें। और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा दही का मिक्सचर रेडी हो गया। चलो अब हम छौंक लगाते हैं। ये देखिए एक कढ़ाई में हम लोग ऑयल लेंगे, ऑयल में हम लोग जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी हींग, इसमें जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया वो डाल देते हैं। आप पेस्ट ना बनाना चाहे तो अदरक लहसुन को काट के भी डाल सकते हैं, और इसको भून लेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च जो हमने काटी थी वो डाल देते हैं। अब हम अपना प्याज डाल देते हैं इसमें, और इसको भी भून लेते हैं।
मीडियम आंच पे भूनी है, अच्छे से मसाला बनता है। इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से हो गया है। अब हमने ये जो कोई भी मसाले डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे मसाले दही में डाल दिए थे। अब हम ये वाला दही इसमें डाल देते हैं और इसको लगातार चलाते रहते हैं। अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये पूरा पानी ना सूख जाए दही का, और दही जो है मसाला जो है घी ना छोड़ दे, तब तक इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए थोड़ा ऑयल निकलने लगा और ये सूख गया मसाला। मैं यहाँ पर थोड़ी सी देगी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि राजस्थानी सब्जी में जब तक अच्छे से कलर ना आए तो मजा नहीं आता। तो देगी मिर्च से थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है, और इसमें मिर्च इतनी नहीं होती है। गट्टे मैंने काट लिए हैं, गट्टे को आप छोटा छोटा काट लेंगे, आधा आधा इंच के लिए या एक एक इंच जितना भी आप चाहें। इसको 2 मिनट और होने देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से सूख चुका है और घी भी छोड़ दिया मसाले ने। अब हमने जो गट्टे काटे हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से गट्टे के ये साइज काटे हैं, तो इसको हम इसमें डाल देते हैं सब्जी में अपनी। और इसका पानी मैंने फेंका नहीं है, वही पानी हमारी ग्रेवी में भी काम आएगा। तो गट्टे के निकालने के बाद, काटने के बाद उसका पानी फेंकना नहीं है, वही पानी हम इसमें डालेंगे। 2 मिनट ऐसे ही चला देते हैं इसको। ये देखिए गट्टे का पानी है, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं मीडियम आंच पे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं। वाओ कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, यम्मी यम्मी। तो ये देखिए हमारी गट्टे की सब्जी बनके रेडी है। इस तरीके से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया की गार्निश कर देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।